गुड इवनिंग फ्रेंड्स, फिर से जुड़ते हैं तीसरे भाग के लिए। 71वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह एक विश्लेषण आपके सामने तीसरा भाग पेश है। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट का दस्ता जिसको लेड कर रहे हैं कैप्टन राहुल सिंह कटारिया, 16वें बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट, मोटो है पराक्रमो विजेते और युद्ध घोष वार क्राई कालिका माता की जय। खास बातें याद रखने के लिए, यहाँ सबसे अधिक ऑनर्ड रेजिमेंट, अलंकृत रेजिमेंट अगर पूछी जाए तो कुमाऊं रेजिमेंट है। और एक और यहाँ खास बात याद करने की है कि एनी रेजिमेंट रिसीव परमवीर चक्र, अगर किसी ने परमवीर चक्र सबसे पहले प्राप्त हुआ है तो वो कुमाऊं रेजिमेंट को प्राप्त हुआ है। जानकारी दे रहे हैं यहाँ 4वीं बटालियन के मेजर सोमनाथ शर्मा, पहले परमवीर चक्र विजेता, 3 नवंबर 1947 बडगांव कश्मीर इंडिया। इसके आगे अगला दस्ता आ रहा है कॉर्प ऑफ सिग्नल्स जिसको लेड कर रहे हैं 4th जनरेशन ऑफिसर कैप्टन तानिया शेरगिल। यहाँ पर एक अच्छा प्रश्न बनने के लिए तैयार है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू लेड ऑल मैन कंटिजेंट, पुरुष दस्ते को महिला के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया है। नाम याद रखेंगे कैप्टन तानिया शेरगिल। मोटो तीव्र चौकस्ट स्विफ्ट एंड सिक्योर। इसके बाद अगला दस्ता है फर्स्ट टाइम ऑन राजघाट मार्चिंग कंटिजेंट ऑफ आर्मी एयर डिफेंस AAD का दस्ता और लेड कर रहे हैं इसको कैप्टन विकास कुमार साहू, मोटो आकाशे शत्रु जही। इसके बाद कंबाइंड बैंड का दस्ता सैम बहादुर की धुन बजाते हुए आगे इंडिया गेट की तरफ बढ़ता है। अगला है वेटर्न टेबलो जिसकी थीम है फोर्स बिहाइंड द फोर्स, और इसके बाद नेवल ब्रास बैंड जो कि विश्व में प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। इसके उपरांत एयरफोर्स का दस्ता आ रहा है, उसको लेड कर रहे थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट श्रीकांत शर्मा, और एयरफोर्स के बाद नेवल कंटिजेंट मार्च पास हुआ। यहाँ एक और खास बात देखने की है जो प्रश्न बन सकता है और पहले भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है, DRDO के द्वारा एंटी सैटेलाइट वेपन अस्त्र, पूरा नाम भी पूछा गया है, और इसको लेड कर रहे हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर वाई श्रीनिवासन राव, और इसको मिशन शक्ति भी कहा गया है। आगे है एयर डिफेंस टेक्टिकल कंट्रोल रडार ADTCR जिसको लेड कर रहे हैं लेफ्टिनेंट विवेक विजय मौर्य, 140वीं रेजिमेंट ADA रेजिमेंट। इसके बाद अगला दस्ता है इंडियन कोस्ट गार्ड का मार्चिंग कंटिजेंट जिसको लेड कर रहे हैं डिप्टी कमांडेंट गौरव शर्मा। आगे बढ़ते हुए अगला दस्ता है CRPF का सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स मार्चिंग कंटिजेंट आ रहा है, और यहाँ पर खास याद करने की बात है कि ये लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड है, यानी कि सबसे पुराना दस्ता है पैरामिलिट्री फोर्सेस का CRPF, जहाँ पर इनका रोल होता है रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस को करना। और एक और खास बात की हम बता दें, प्रश्न बनता है कि हाईएस्ट टैली ऑफ मेडल्स बाय एनी पुलिस फोर्स, नाम आएगा CRPF का, मोटो सर्विस एंड लॉयलिटी। खास बात है इस बार CRPF वुमन मोटरसाइकिल टीम के मेंबर ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है गणतंत्र दिवस समारोह में। इसके अगला दस्ता है ITBP का इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के स्वर के साथ, लेड कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट अमित यादव। खास बात बता दें, -45 डिग्री के तापमान पर भी ये पूरे जोश के साथ तिब्बत सीमा पर डटे रहते हैं और 18,700 फीट की ऊँचाई पर ड्यूटी देने का गौरव प्राप्त है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स को। और यहाँ खास बात है 200 चोटियों को फतेह कर चुकी है ITBP, और 4 बार का गौरव प्राप्त है माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। आगे बढ़ते हैं। अगला दस्ता CISF का सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स मार्चिंग कंटिजेंट, लेड कर रहे हैं डिप्टी कमांडेंट पर्व सिमरन सिंह, मोटो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। अगला एक बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, अगला दस्ता सलामी मंच की तरफ है दिल्ली पुलिस मार्चिंग कंटिजेंट, यहाँ बात है 6 फीट से ऊंचे पुलिसकर्मी, और खास बात है 1950 से लगातार परेड में शामिल होने का गौरव सिर्फ दिल्ली पुलिस मार्चिंग दस्ते को प्राप्त है, 14 बार बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कैमल माउंटेड कंटिजेंट आ रहा है, विश्व में एकमात्र ऐसा दस्ता है भारत के पास, मोटो ड्यूटी अनटू डेथ। अगला है NCC, और इसको बड़े हर्ष के साथ
निर्मला सीतारमण जी के द्वारा तालियों की गड़गड़ाह के साथ स्वागत किया गया है। वो अपने स्थान से खड़े होकर इसका दस्ते का उन्होंने अभिनंदन किया। एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प मार्चिंग कंटिंजेंट, यहाँ जानकारी दे दूँ 1948 में स्थापना हुई थी इसकी, मोटो यूनिटी एंड डिसिप्लिन। और एक और ख़ास बात है यहाँ पर राजस्थान के लिए कि पिछले 54 वर्षों से बिरला बालिका पीठ पिलानी राजस्थान का बैंड दस्ता इसमें भाग लेता आ रहा है, जिसको लेड कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर चारू शर्मा, और ये एनसीसी डायरेक्टर राजस्थान के अंतर्गत आता है। ट्यून बजा रहे हैं सारे जहां से हंद अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एनएसएस अगला दस्ता नेशनल सोशल सर्विस चेतन गुप्ता की कमांड में, और एनएसएस के ऊपर भी एक जानकारी दे दें, इसकी स्थापना वर्ष 1969 में स्थापित, और ये वर्ष था गांधी जी का जन्म शताब्दी वर्ष। मोटो है एनएसएस का, मैं नहीं आप पहले। तो आपका दोस्त डॉक्टर संतोष कुमार जाखड़, जय हिंद।